हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि जो मुफ्ती तारिक मसूद है उनकी एक नई वीडियो लेकर आऊँगा, उसका पार्ट टू लेकर आऊँगा। जो उनकी फनी वीडियो है तो उसकी पार्ट टू लेकर आऊँगा, तो उसका दूसरा पार्ट भी आ चुका है। तो इनकी थग लाइफ है, तो कैसे फनी मौलाना है, कितने मतलब बयान में अपना वो करते हैं, थोड़ा ह्यूमर डालते हैं, तो उसी चीज़ के ऊपर ये वीडियो है। तो मुफ्ती तारिक मसूद जो है पाकिस्तान की फेमस स्कॉलर है, काफ़ी सुना जाता है उनको। तो पहले उनकी ये वीडियो देखते हैं, बाद में उनके बारे में बात करते हैं। मेरे दो भांजे हैं, बयान में रिकॉर्डिंग भी कराते हैं, अभी 17-18 साल के हैं। अब मेरा बयान सुन सुन के मीटर घूम गया उनका। भांजे हैं सगे, घर में जाके अब कमाई धेले की भी नहीं है, यहीं बैठे हुए हैं, कमाई धेले की भी नहीं है। अब बस उनके बाप ने मुझे बताया, हमारे बहनोई ने, कि यार ये तो अजीब ही किस्म की बातें शुरू कर दी इन्होंने। मैंने कहा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यार ये कह रहे हैं कि पहली शादी किसी बेवा से कर लेते हैं, अभी तो पैसे हैं नहीं। तो मैंने कहा बेवा को भी तो कहीं से खिलाएंगे। कह रहे हैं वो मामू से सुना था कि भाई पहले कहीं छोटा मोटा किराए पे घर ले लो, किसी गरीब लड़की से कर लो, तो कच्ची आबादी में 2000 पे कमरा मिल जाता है। बहनोई साहब के यार ये तो अजीब अजीब बातें। तो मैंने कहा जब बयान में बैठेंगे ये तो होगा। अभी जुम्मे के बयान से पहले अपनी अहलिया से, घर वालों से मशवरा लिया कि आज कोई नया टॉपिक जहन में हो, कोई अहम तरीन तो बताना। उन्होंने कहा आपके मखसूस ही बयान है, वसीम भाई, सत्तार भाई, गफ्फार भाई, मार्केट से शार्ट, ये घर वालों का मेरे बारे में। तभी कहते हैं आदमी की घर के अलावा हर जगह इज्जत होती है। एक जिन किसी तालिब इल्म पे आ गया था, तो वो तालिब इल्म बहुत सारी जगहों पर गया, यानी उसके घर वाले लेकर गए, वो जिन उतर के नहीं दे रहा था ना। और जिन का कहना ये था मैं बांग्लादेश से आया हूँ, इसको बांग्लादेश लेके जाऊँगा मैं। तो हमारे हजरत के यहाँ वो आया, तो हजरत गए उसकी खैरियत मालूम करने के लिए। तो उस वक्त वो जिन उसके ऊपर आया हुआ था। अब जिन जब आया हुआ था तो उसने कहा कि हजरत पे हमला करने लगा वो। तो जिन्ना से जो डरता है ना वो गया काम से, ये जहन में रखो। हजरत ने आगे बढ़ के ना एक वो हवा में उछल रहा था कमबख्त, असल में तो तालिब इल्म था लेकिन उस पर जिन चढ़ा हुआ था ना, तो वो हवा में उछल रहा है। तो हजरत का हाथ भी माशाल्लाह लंबा, लुधियाना के पंजाब से ताल्लुक था हजरत का, होते हैं ना पंजाब के बड़े बड़े माशाल्लाह ज़मींदार होते हैं, बड़ी बड़ी पगड़ियाँ होती हैं। तो हजरत की हाइट भी अच्छी थी, तो हाथ भी लंबा। तो जैसे ही वो उछल के करीब आया, हजरत ने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया उसके, इतनी जोर से मारा कि वो बेहोश होके गिर गया। काफी देर बाद उसे होश आया, उसने कहा हम जा रहे हैं। कि एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा है पंगा जिन ने खुद ही लिया है। खुद ही भुगतेगा। पहले मुफ्ती साहब मैंने आपको बयान सुनकर चौथी शादी की है, लेकिन मेरी बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा है। कहती है मैं कहाँ आ गई, मैं क्या करूं। सबकी बीवियों ने ऐसे मौके पे यही किया हुआ, तो आप भी तो दूसरी नहीं चौथी कर रहे हो यार। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो ये थे मुफ्ती तारिक मसूद, इनकी खुद की चार चार शादी कर रखी है इन्होंने, चार चार शादी कर रखी है। ज्यादा इनकी बयान ना शादी के ऊपर ही होते हैं कि दो कर लो और तीन कर लो। पर ये काफी इंटरेस्टिंग बोला, काफी दिन तालीम की काफी अच्छी बयान आते इनके हैं, और ब्लॉगर भी हैं अब तो, वो लोग ब्लॉगिंग भी करते हैं कभी कभार। पर यह काफ़ी लोगों की मदद भी करते हैं, अभी पाकिस्तान में बाढ़ आई थी तो काफ़ी लोगों की मदद भी की थी, तो काफ़ी अच्छे बयान होते हैं इनके ना। तो मैं इनकी जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन दूँ, वहाँ जाकर इनके और भी वीडियोज़ देख सकते हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोज़ बनाते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की वीडियो और बनाओ तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। बाय बाय।